एवरीवन वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का वीडियो हम लोग का एक क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश 100 मार्क्स का एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर मीन्स आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित रहेंगे यहाँ पे। और आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरह क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाती है मॉडल पेपर से। तो आप लोग जो इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक बनाएंगे हो सकता है आपको यहाँ पे लगभग 60-70% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आ जाए, क्योंकि ये सारे जो है न्यू पैटर्न पर बेस बनाए गए हैं। तो आप लोग को अंत तक बना रहना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का राम इज सिंकिंग अ भजन, चूज द बेस्ट पेसी वाइज। देखिए पेसी वाइज का नॉलेज आप लोग को पहले से बता दिया और एक वीडियो में भी कि आप लोग पेसी वाइज के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पेसी वाइज एक लॉन्ग टॉपिक है। बट यहाँ पे आपको यह सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना है, एक्टिव में दिया हुआ है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए भजन इज संग बाय राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि अ मैन ड्राइव्स द कार, चूज द बेस्ट पेसी वाइज। सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द कार इज ड्राइवन बाय अ मैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, चूज द बेस्ट पेसी वाइज। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको आपको एक्टिव में दिया हुआ पेसिव में चेंज करना है। और जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ पेसिव वाइज के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग सही से इसको रिलेट कर पाएंगे, सही से इसको बना पाएंगे, ठीक है। पेसिव वाइज में एक कंडीशन होता है कि वो जिस टेंस में रहता है उसका पेसिव या फिर एक्टिव जो भी हो वो हमेशा उसी टेंस में बनता है। यानी अगर पेसिव आपका जो टेंस में दिया हुआ है इसका एक्टिव बनाएंगे तो वही टेंस में रहेगा, या फिर आपका एक्टिव जो टेंस दिया हुआ है पेसिव बनाएंगे तो वही टेंस होता है। बट सिर्फ इसका वर्ब का चेंजिंग होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और टेंस के हिसाब से उसकी जो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं वो भी चेंज होते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टॉपिक आप लोग पेसिव वॉइस करने पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थ्री का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द वैन इज बीइंग ड्राइवन बाय रहमान, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। द वैन इज बीइंग ड्राइवन बाय रहमान। अब इसका आपको एक्टिव बनाना है क्योंकि पेसिव में आपको दिया हुआ है। इसका एडिशन रहमान इज ड्राइविंग द कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहा है कि इट इज नोन टू यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल क्वेश्चन का आपका एडिशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू नो इट। आप लोग को एक्टिव पेसिव करें पहले, यहाँ पे आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्टिव पेसिव से। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कहला कि सीता डैश डैश टू द पिक्चर ऑन संडे, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि टेंस भी आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो और एक्टिव और पेसिव बनाने के लिए टेंस की नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस लग जाएगा यहाँ पे। गोस यानी गो का ई एस वाला फॉर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पे सीता है। जब भी अगर यहाँ पे सिंगुलर रहे कोई सब्जेक्ट तो उसके बाद जो वर्ब लगने वाला होता है वो एस या ई एस वाला होता है, डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट पे वर्ब का फॉर्म, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कह रहा है कि द पेशेंट डैश डैश बिफोर द नर्स केम। देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म बोलता है, फिर यहाँ पे भी आपको टेंस का सही फॉर्म चूज करना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलैप्स्ड, द पेशेंट कोलैप्स्ड बिफोर द नर्स केम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई डैश डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आई हैव इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ये तो नहीं, यहाँ पे आई हैव ऑलवेज बीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एज सुन एज द टीचर डैश द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। सो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी क्या कह रहा है कि माई ब्रदर डैश येट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। सो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे हैजंट हो जाएगा, ठीक है। माई ब्रदर हैजंट कम येट। आई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या कह रहा है कि माई कजिन डैश डैश स्विम वैन ही वॉज 6 years ओल्ड, चूज द एक्सिलरी वर्ब। देखो आप इसका एक्सिलरी वर्ब देखो, इससे भी आपको 5 नंबर क्वेश्चन 4 से 5 नंबर क्वेश्चन
पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, आपको बता दिए पैसिव के बारे में, पैसिव एक्टिव के बारे में, टेंस के बारे में, एक्सिलरी वर्ब और क्या कहते हैं प्रीपोजिशन, उसमें भी 4 से 5 पूछा जाता है तो। उसके बाद करेक्ट स्पेल वर्ड, उससे भी 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बस आपका जो है 50% क्वेश्चन जो यही से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बताते हैं अभी आप लोग को अंत तक बंद रहना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग आई डेस रीड विदाउट ग्लासेस, चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। आप यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोड हो जाएगा। ये जो है पास्ट फॉर्म है, क्योंकि हमको पास्ट वाला ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाज दिखा रहा है, दिखा रहा है कि मतलब ये पास्ट की बात कही जा रही है। तो व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था, आई कुड रीड विदाउट ग्लास, मैं जो है बिना ग्लास के जो है पढ़ सकता था। तो इसलिए कैन का हम कुड इस्तेमाल करते हैं, बदले में कैन वो प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब पास्ट की बीती हुई बात के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी डैश डैश डेली, ऐसे डेली नहीं, यहाँ पे ड्यूली है, ड्यूली शायद, वी डैश डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, फिलहाल ऑप्शन आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना चाहिए, शुड होना चाहिए, क्या शुड हो जाएगा, वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कराए कि आई, अच्छा डैश दिया हुआ डैश, आई गो आउट सर। तो यहाँ पे इसके लिए हम कौन सा एक्सिलरी वर्ब चूज करेंगे, देखो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं आई गो आउट सर। परमिशन मांगने के लिए हम जब बड़े से कोई परमिशन मांगते हैं तो उससे पहले हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, पता आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि डैश डैश ही लाइव लॉन्ग। अब यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मे, ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ही क्लाइम अप ए ट्री, ही हैड सीन ए वोफ, चूज द सूटेबल कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन से भी आपको जो है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन यानी दो अलग अलग सेंटेंस रहेगा उसको जोड़ना है, और इसी से और एक इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वो सेंटेंस, उससे ये भी एक तरह भी कॉम्बिनेशन का प्रकार है। तो मतलब कॉम्बिनेशन सेंटेंस की तरह होता है, तो वो भी आपको 4 से 3-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग को इनडायरेक्ट और कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस इसको भी पढ़ लेना है। चलो यहाँ पे देखो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगह, हैविंग सीन ए वोफ ही क्लाइम ए ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का है कि मोहित इज इल, ही इज वर्किंग हार्ड, चूज द बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक्चुअली मतलब होता है अलग अलग सेंटेंस, उसको एक सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहित इज इल येट ही इज वर्किंग हार्ड, यानी मोहित बीमार है फिर भी वो जो है हार्ड वर्क करता है, वही कहना चाहता है ना, मोहित इज इल, मोहित बीमार है, ही इज वर्किंग हार्ड, वह बहुत हार्ड मेहनत करता है। तो मतलब अलग अलग सेंटेंस को हम एक साथ बोल सकते हैं, मोहित जो है बीमार होते हुए भी वह बहुत हार्ड वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किरण, अच्छा किरण ये किरण कुड नॉट कम, सी वाज टायर्ड। सो इस क्वेश्चन का आपको कॉम्बिनेशन करना है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे, किरण कुड नॉट कम बिकॉज सी वाज टायर्ड, किरण आ नहीं सकी क्योंकि वह थकी हुई थी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम उसको इस तरह बोल सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के राम कम यस्टरडे, राम कम नहीं, यहाँ पे राम केम यस्टरडे, ही वाज ए स्केंटिस्ट एंड टीचर्स। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि राम केम यस्टरडे, ही वाज ए स्केंटिस्ट एंड टीचर्स, सूटेबल कॉम्बिनेशन चूज करने बोलता है। सो देखो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राम ए स्केंटिस्ट एंड टीचर्स कम यस्टरडे, राम ए स्केंटिस्ट टीचर, स्केंटिस्ट का मतलब क्या होता है, स्केंटिस्ट शायद आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, राम ए स्केंटिस्ट एंड ए टीचर केम यस्टरडे, ठीक है, यानी राम शिक्षक और मतलब स्केंटिस्ट का मतलब पता है, स्केंटिस्ट है और कम यस्टरडे जो कि कल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कह रहा है क्या कह रहा है कि द पुअर अलोन डिजर्व, द पुअर अलोन डिजर्व हेल्प, चूज द सूटेबल नेगेटिव सेंटेंस। अब ये तो नेगेटिव और
इसमें भी पूछा था कि सेंटेंस को आपको निगेटिव में बनाना है, यानी सेंटेंस का मीनिंग यानी मतलब उसी तरह होना चाहिए लेकिन वो निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मैं कल जाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं ना, मतलब सॉरी मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ रहूँगा, तो हम इसको निगेटिव में बोल सकते हैं कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा। मतलब क्या हुआ कि वहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब हम यहाँ रहेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो इसका मतलब हम इसको उल्टा में बोल सकते हैं कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मतलब नहीं रहूँगा तो मतलब इसको निगेटिव लगा दिए, लेकिन मेरा मतलब क्या हुआ, इस घर में नहीं रहूँगा स्कूल जाऊँगा। तो मतलब आपको थोड़ा सेंस लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे निगेटिव। जो आप यहाँ पे सेंटेंस में बता दीजिएगा आपको एग्जाम्पल, कह रहा है द पुअर अलोन डिजर्व हेल्प, द पुअर अलोन डिजर्व हेल्प, चूज द सूटेबल निगेटिव सेंटेंस। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, नन बट द पुअर डिजर्व हेल्प, ठीक है, नन बट द पुअर डिजर्व हेल्प। तो यहाँ पे नन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, नन बट द पुअर डिजर्व हेल्प, 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, चूज द सूटेबल नेगेटिव सेंटेंस। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो, समझे, कभी झूठ मत बोलो, यानी मना किया जा रहा है, नेगेटिव बात की है, मत बोलो, ना करो, मतलब ना की बोध आया तो मत बोलो, मतलब क्या करना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है ना, तो उसी को हम यहाँ पे दिया हुआ ना, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलो, यानी एक इंट्रोगेटिव है, मतलब सही बात की जा रही है, लेकिन अगर हम ना वाला बोले तो नेवर टेल ए लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो, लेकिन कहने का मतलब सेंस तो वही जा रहा है ना कि हमेशा सच बोलना है, यानी कभी झूठ नहीं बोलना है, तो इसको हम नेगेटिव में इस तरह बना सकते हैं, यानी ये चीज़ आपको पिक करना है इस तरह के वर्ड को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पे देखो एक ये लगा देते हैं कि नेवर स्पीक ट्रूथ, यानी कभी झूठ मत बोलो, तो सेंटेंस का मतलब अलग होता है। यहाँ पे अगर ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेवर स्पीक द ट्रूथ, यानी इस सेंटेंस को उसी तरह मीनिंग वाला होना चाहिए लेकिन सिर्फ वो नेगेटिव में होना चाहिए, लेकिन अब ये नेगेटिव में करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन नेवर टेल ए लाई ये तो नेगेटिव है, कभी झूठ मत बोलो, लेकिन मतलब सेंस इसी में जाता है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है। तो समझ गए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए कैन ए मैन लाइव फॉर एवर, तो आप यहाँ पे उसी तरह कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मैन कांट लिव फॉर एवर, यानी एक इंसान जो है हमेशा के लिए जी नहीं सकता, वही यहाँ पे कहता है कैन ए मैन लाइव फॉर एवर, क्या एक इंसान जो है हमेशा के लिए जी सकता है, मतलब एक इंसान जो है हमेशा के लिए जी सकता है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ रहा है। अब इसको हम नेगेटिव बनाएं तो हम बता सकते हैं ए मैन कांट लाइव फॉर नेगेटिव, यानी एक इंसान जो हमेशा के लिए नहीं जी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि कैन इट बी ट्रू, क्या यह सही है, सही हो सकता है। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे हम लोग, तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट कांट बी ट्रू, क्या होगा, इट कांट बी, यह सही नहीं हो सकता, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सही है, तो सवाल की तरह पूछा जाता है, तो आप इसको हम सही बोलते हैं इट कांट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता, मतलब इसमें क्या है कन्फ्यूज वाली बात आ रही है ना कि यह सही नहीं हो सकता, तो हम उसको कह सकते हैं क्या यह सही है, तो यानी ये एक आपका हो गया मतलब पॉजिटिव कह सकते हैं उसको, और इसको हम इंट्रोगेटिव यानी सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह कह सकते हैं इट कांट बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी शुड बी काइंड एनिमल्स, अब देखो वी शुड बी काइंड क्या लगेगा, अब यहाँ पे आपको अच्छा इसमें प्रीपोजिशन का आपको यूज़ करना सही से, देखो हम जैसे बताया आप लोग को प्रीपोजिशन के बारे में, तो ये ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाय, वी शुड बी काइंड बाय एनिमल्स, ठीक है। चलिए 24 हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 करा कि आई विल वेट डस ही रिटर्न्स, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। सो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलेगा ऑप्शन नंबर ए अंटिल। चलिए 26 करा कि द वर्ड इज हैंगिंग, द अच्छा द वर्ड नहीं यहाँ पे द स्वर्ड है, ये पे द स्वर्ड इज हैंगिंग डस माई हेड। 26 नंबर क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शायद ए, हाँ ए हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, द स्वर्ड इज हैंगिंग ओवर माय हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही डाइड डैश ही सोसाइटी, चूज द सूटेबल प्रीपोजिशन। दो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फोर ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगी। आगे बढ़ते हैं 28 करा कि द वर्क वॉज डन डैश हैज टे, चूज द सूटेबल प्रीपोजिशन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को सही चूज करना है यानी कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। अगर आप लोग को टेंस की अच्छी नॉलेज है तो आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। अब वहाँ पे चार नंबर का तो ऐसे ही टेंस में पूछाएगा, फिर चार नंबर आपका इधर भी बढ़ जाता है यानी टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। फिर यही टेंस की वजह से आप एक्टिव पैसिव का नॉलेज होता है आपको, तो टेंस बहुत जरूरी है, आप लोग टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 का है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है यहाँ पे, देखेंगे अच्छे से सेंटेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं 31 का है चूज द करेक्ट सेंटेंस, 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई योर फैमिली। तो ये एक सेंटेंस सही मतलब सही वर्ड के साथ और साथ ही साथ सही पोजिशन में इस्तेमाल किया गया है यानी हर एक चीज़ को मिला करके टेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप देखो यहाँ पे सेंटेंस सही सेंटेंस क्या होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक, ठीक है, ये जो है सही है पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का, देयर इज डैश डैश गार्डन बिहाइंड द हाउस चूज द बेस्ट आर्टिकल। देखो अब आर्टिकल्स की वाली बात आ गई तो बता दें आप लोग को आर्टिकल से भी लगभग 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, तो आप आर्टिकल का भी नॉलेज ले लेंगे। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन सारे चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से नॉलेज ले लेंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोग आराम से बिना बुक के भी यहाँ पे ऑनली ग्रामर से 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ग्रामर की नॉलेज अच्छी तरह से ले लेंगे तो आपको आगे भी काम आएगी और साथ ही साथ एग्जाम में भी काम आएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, देयर इज ए गार्डन बिहाइंड द हाउस। चलिए क्वेश्चन 34 का, ही प्लेज डैश डैश टेनिस वेल चूज द बेस्ट आर्टिकल। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, ही प्लेज टेनिस वेल, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि माई ब्रदर इज ए डैश डैश एसआई ऑफ पुलिस। आप यहाँ पे ध्यान देने का आपको 35 में क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका एन लगेगा, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब भी वेवेल होता है वेवेल से पहले एन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे तो एस है, एस जो कि वेवेल नहीं है। वेवेल में आपको पता है कि ए उसके बाद ई आई ओ यू ये सब वेवेल के अंदर देते हैं, मतलब बचपन में आप लोग पढ़ाया गया हुआ कि ए जो होते हैं ए होता है, ई होता है, उसके बाद क्या कहते हैं ओ होता है, यू होता है, आई होता है, ठीक है। ये पांच जो वोवेल होते हैं इससे पहले जो भी वर्ड लाएंगे तो एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एस है तो एस से पहले एन का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि ये मेथड अब जाकर के गलत हो जाती है। ये बचपन में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब मेथड जो होता है वो ये काम करता है कि आपका जो उसका उच्चारण वर्ड है वो कौन से वर्ड से शुरू होता है, यानी एस आई को आपको हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एस फिर आई इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि किससे शुरुआत होता है, ए से शुरुआत होता है ना, तो इसलिए ये इससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे यानी अ आ पढ़े ना आप लोग बचपन से अ आ से, इसको हम कहते हैं सुवर्ण वन, ये सुवर्ण वन से जो भी शुरुआत होती है उसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। व्यंजन वन जैसे क ख होता है, ये वो होता है व्यंजन वन, उससे जो भी शुरुआत होगी तो उससे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे आपका क्या कहते हैं उसको ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका अगर अम्ब्रेला आ रहा था कहीं पर तो अम्ब्रेला की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पर एन अम्ब्रेला करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एन अम्ब्रेला, जो कि यू से शुरुआत है, ठीक है। यू क्या होता है वेवेल होता है, लेकिन ये चीज़ आप लोग को नहीं क्योंकि अम्ब्रेला में और से बोला जाता है ना, इसलिए हम अम्ब्रेला में क्या करेंगे एन का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे अगर आपको यू से ही दूसरा वर्ड दे देंगे जैसे यूनिटी दे देंगे या फिर यूनिफॉर्म दे देंगे, सबसे अच्छा यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म के पे गए हम लोग यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनि तो यू वेवेल है लेकिन इसका उच्चारण कैसे होता है, य और सु से होता नहीं, ठीक है, यो दुर्गुस होता है, तो इसलिए हम लोग यो को देखेंगे। ये यो क्या है, एक व्यंजन वर्ड का है, इसलिए हम लोग एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, एन यूनिफॉर्म की जगह ए यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे वेवेल से, अब जो है ये चीज़ ध्यान आप लोग को रखना है कि वेवेल से पहले एन का इस्तेमाल हमेशा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ उसका सेंटेंस का वर्ड का उच्चारण देखा था कि वो उच्चारण किससे होता है। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ बेसिक्स की नॉलेज था आर्टिकल के बारे में, वैसे आर्टिकल के बारे में आप लोग और थोड़ा नॉलेज ले लेंगे अच्छी तरह का। कह रहा है ही सेंट डैश डैश एस ओ एस सॉस, चलो चूज द बेस्ट आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या होता है एस ओ एस, एस ओ एस क्योंकि कैपिटल में लिखा है तो इस मतलब इसका फुल फॉर्म होगा ये किसी का, ठीक है, तो इसलिए एस ओ एस का इसको क्या मतलब शॉर्टकट में कह सकते हैं जैसे आई पी एस कहते हैं ना, या फिर आई ए एस, ये सब क्या है, सब शॉर्ट फॉर्म है, तो इसी तरह एस ओ एस ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है, या ही सेंट डैश डैश एस ओ एस, तो एस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो ये क्या है एक सवर्ण वर्ण है, तो सवर्ण वर्ण से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ही प्लेस डैश डैश टेबल चूज द बेस्ट आर्टिकल, 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ही प्लेस डैश डैश टेबल, तो यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, द हो जाएगा, चलेगा द, ठीक है, क्या कहता है ही प्लेस द टेबल चूज द बेस्ट आर्टिकल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही प्लेस द टेबल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, करेक्ट कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कौन सा वर्ड जिसका स्पेलिंग सही है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्यू यू आई सी के क्विक, ये जो बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ दिया हुआ है। 39 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोट क्या कहते हैं वी ओ टी ए आर आई एस वोट रिच, ये जो बिल्कुल राइट ऑप्शन मतलब सॉरी स्पेलिंग के साथ लिखा होगा। क्वेश्चन 40 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड सेम टाइप क्वेश्चन है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जगह ओ सी सी यू पी ए टी ए टी आई ओ एन ऑक्यूपेशन, यानी ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका भी देखेंगे यहाँ पे 41 क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी ओ एन एफ ई एस एस कॉन्फेस, ये कोई सही स्पेलिंग के साथ लिखा होगा। चलिए 42 क्वेश्चन का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, 42 में क्वेश्चन का राइट स्पेलिंग करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सी एम पी ए आई एन जी सॉरी सी एम पी ए आई जी एन ई आर कैंपेगिनर, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि समवन डस गिवन मी द मैसेज चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, 43 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक हैज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क एंड फ्रूट डैश गुड फॉर हेल्थ चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, 44 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर। आई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कह रहा है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश ए स्प्रेड रूम, सॉरी स्प्रेड नहीं यहाँ पे सेपरेट रूम है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ए सेपरेट रूम, तो इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोलते हैं, ये भी टेंस से लिया गया, आप लोग को टेंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिलेट करते हैं। तो 45 में क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी हैज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे तो टेंस की बेसिकली बात नहीं है, लेकिन सेंटेंस करेक्शन आपकी सही होती है, आपको टेंस की नॉलेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये कहा जा रहा है कि हर एक मतलब प्रत्येक बॉय और गर्ल को अपना एक सेपरेट रूम है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हैज करेंगे, जब किसी चीज़ को उसके पास होना के लिए हम लोग हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं मेरे पास कलम है तो आई हैव ए पेन, उसके पास कलम है तो ही हैज ए पेन, तो इसलिए हम लोग किसी चीज़ का होना उसके पास में यानी वो रखना मतलब पर्यावरण में हैज और हैव का मतलब रखता है, इस तरह का आप सेंस आता है, यानी किसी की चीज़ पास में वो चीज़ अवेलेबल हो तो उसके लिए हम लोग कहेंगे हैज और हैव का इस्तेमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस द ऑर्गेनिक दिस द अच्छा ओरिजिन है यहाँ पे दिस द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, 46 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे ध्यान से, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी जगह इज दिस द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स इज अननोन, ठीक है, तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉरी हैंड क्या कहते हैं हर हैंड वर्क एंड डेडिकेशन डैश पेड ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन, सो यहाँ पे 47 क्वेश्चन का आपका ध्यान देने की बात है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह हैज जगह, ठीक है, हर हैंड वर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ, तो यहाँ पे वो भी किसी बातचीत को रखने की बात की जा रही है, यानी किसी को इंडिकेट कर रहा है कि हर हैंड वर्क उसका हाथ का काम और डेडिकेशन जो है यानी पेड है तो हैज़ पेड ऑफ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि समीर सेठ समीर ने कहा यू आर टेलिंग द ट्रूथ चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, देखिए ध्यान से बताएंगे आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आप बताए थे आप लोग को एक बार पहले भी इस तरह के सेंटेंस
जैसे कॉम्बिनेशन बताए थे अलग अलग सेंटेंस लगा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, सेम उसी प्रकार के है लेकिन थोड़ा अलग अलग टाइप के, लेकिन इसमें भी आपको एक ही सेंटेंस में बनाना है, अलग अलग सेंटेंस लगा। जैसे समीर सेठ, समीर ने कहा यू आर टेलिंग द ट्रूथ, आपको इसको एक सेंटेंस में यानी डायरेक्ट में बनाना है, ठीक है, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट में बनाना है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्ट में कहा गया है, समीर सेठ डायरेक्ट हो गया, यू आर टेलिंग द ट्रूथ अलग से मतलब हो गया ये डायरेक्ट, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन सब आप लोग, ऑप्शन ए जगह समीर सेज, समीर सेज, समीर ने कहा दैट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, समीर ने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस में इस तरह कह सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कह रहा है कि सेल आई ओपन द डोर, हरीश आज सेल आई ओपन, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा, हरीश ने पूछा, हरीश ने कहा, तो इसको सेंटेंस में एक सेंटेंस कह सकते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन का आप डी कह सकते हैं, यानी हरीश आज, हरीश ने कहा इफ़ ही शुड ओपन द डोर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेल आई यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तो हरीश ने कहा इफ़ ही शुड ओपन द डोर, तो इसको एक सेंटेंस में इस तरह बना सकते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन कहता है कि ही सेड डैश ही सेड सॉरी डैश नहीं ही सेड आई हैव गॉट ए टचेज, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो देखो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टचेज, तो ये सेंटेंस यहाँ पे हम सही हम लोग का बनता है। टोटल हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग बोल रहे हैं, और आप लोग अगर और भी इसका पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, हम लोग 51 के बाद से सारे क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे बुक से भी रहेगा और भी कुछ ग्रामर से रहेगा, तो आप लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो को, अधिक से अधिक लाइक कर देंगे, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका आप लोग PDF वगैरह या फिर कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, सो आप लोग बोर्ड परीक्षा वेबसाइट में आकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम है बोर्ड परीक्षा, ठीक है। तो चलिए इन वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।